वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स, रफ्तार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं और रिया हम इस वीडियो में आपको दिखने वाले हैं, क्योंकि हम जो स्कूटर देखने आए हैं वो स्पेशली रिया के लिए ही देखने आए हैं। अब कॉलेज शुरू होने वाला है, तो ऑफ कोर्स बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो उनको सबसे पहले यही होता है कि हमारे स्कूटी, पर्सनल स्कूटी होनी चाहिए। हालांकि वो स्कूटर राइड कर रही है कितने टाइम से? मुझे एक साल हो गया है और करंटली मैं अभी डियो ड्राइव करती हूँ। डियो ड्राइव करती है, तो अब ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी कि इसमें क्या चीज़ें इसको डिफरेंट लग रही हैं। तो हम इनको टेस्ट राइड भी कराएंगे, लेकिन पहले लुक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों के हिसाब से, आई मीन बैठो, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, अब बच्चे नहीं कहेंगे, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, बड़े हो गए हैं। तो देखिए, ओवरऑल अगर हाइट भी कम है और लुक्स बहुत अच्छे, बहुत क्योंकि स्लिम है इसलिए अच्छा लग रहा है। अगर लुक्स की बात करें, हमने आपको ई प्लूटो दिखाया था, वो थोड़ा सा रिट्रो लुक में है, लेकिन ये थोड़ा सा फंकी लुक है। तो बच्चों को, आई एम सॉरी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को या बॉयज़ को ये पसंद आ सकता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। और कलर्स क्योंकि वाइड रेंज है बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ठीक है मैडम, अगर मैं एंट्रेंस नी की बात करता हूँ तो इसमें 10 इंची टू प्लेस टायर दिया हुआ है विद एलोवेल के साथ। आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, टेलीस्कोप सस्पेंशन सिस्टम मिल जाएंगे, जो कि आपको अगर आप राइडिंग करते हो तो गड्ढे वगैरह में आपको जर्क महसूस नहीं होगा। उसके बाद इसमें फाइबर बॉडी मिलेगी। अगर देन हम इसके मीटर की बात करते तो इसमें डिजिटल 5 इंची एलईडी डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें आपको बैटरी इंडिकेशन, गियर मोड्स और पार्किंग इस आसपास सो आपको शो हो जाएगा। अगर मैं इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करता हूँ तो ये 60 वोल्ट और 2.5 किलोवाट बैटरी इसमें दिया हुआ है। अगर इसको पोर्टेबल बैटरी दिया हुआ है, यदि आप फ्लैट वगैरह में रहते हो, अगर नीचे चार्जेबल की अगर इसमें फैसिलिटी नहीं है तो आप इसको बैटरी निकाल के आप ऊपर अपने फ्लोर पर भी चार्जिंग इसका कर सकते हो। अगर मैं इसके मोटर कैपेसिटी की बात करता हूँ तो इसमें 2200 वोल्ट की मोटर दिया हुआ है, IP67 जो वाटरप्रूफ का वाटरप्रूफ है एकदम। ठीक है मैम, अगर इसमें पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें तो टू पैसेंजर ऑलरेडी कंफर्टेबल सेटिंग इसके अंदर दिया हुआ है। ऑलरेडी एक स्मॉल डिग्गी स्पेस दिया हुआ है, इसमें आप पॉकेट वगैरह अपना मोबाइल फोन वगैरह इजी में रख सकते हो। तो अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ भी आपको LED मिलती है, DRLs में भी LED है, और इनफैक्ट यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स भी आपको LED में ही मिलते हैं। जनरली बैकलाइट बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बट ये बहुत सूदिंग है और बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आँखों में चुभ नहीं रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और हाँ, बूट इसमें थोड़ा सा मुझे कम लगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ जो लगी, जैसे कि अगर बच्चे फ़ोन कैरी करते हैं साथ में, तो यहाँ पे ये जो स्मॉल पॉकेट्स दी हुई है ये काफ़ी यूज़फुल हो जाती है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि बच्चे हमेशा बैग कैरी करते हैं तो बूट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी कीज़ मैं देख रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये कीज़ क्यों है, तो इन्होंने बताया कि ये स्पेयर कीज़ आपको दी हुई है, घर में जितने मेंबर्स हैं सब एक एक कीज़ रख सकते हैं। ई ट्रांस नियो हमें मिल रहा है, एक्स शोरूम प्राइस 87,999 ऑन वर्ड्स। कितना वर्थ है चला कर देखते हैं, क्योंकि जब तक हम टेस्ट राइड नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसकी वर्थ इतनी है या नहीं। चलिए, तो रिया को टेस्ट राइड कराते हैं, मैं भी टेस्ट राइड करके देखूँगी ई ट्रांस नियो, जो प्योर ईवी में आप आकर यहाँ पर टेस्ट राइड ले सकते हैं देहरादून में। चलिए, तो रिया को ऑल द बेस्ट। चलो रिया, तो रिया ये चलाने में कैसा लगा, कैसा, क्या डिफरेंस है डियो में और इस स्कूटर में, बताओ। अगर डिफरेंस है तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी स्मूथ है ये डियो से, और सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, और मुझे लगा सस्पेंशन भी अच्छी है, इसीलिए इसमें वो बम नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, लगे हाथ मैं भी एक बार टेस्ट राइड ले लेती हूँ, जब रिया ने इतनी तारीफ की है तो। वो वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चलाने में, और लोकल में, लोकल के लिए तो इस बजट में, क्योंकि देखिए वैसे चलाने को हम ओला भी चला रहे हैं, ओला बहुत भागता है, लेकिन ये भी इसकी जो एकदम से पिकअप ले रहा है बहुत अच्छे से ले रहा है और चलाने में बहुत स्मूथ है। तो कम बजट में अगर ये चाहिए, ये ऑप्शन एक अच्छा है, आप आकर टेस्ट राइड ले सकते हैं, और मैं जो कह रही हूँ वो सही है या नहीं
वो आप खुद से जज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप देखिए इसका जो हैंडल बार है, यहाँ पर आप इसको, ये मेटेलिक देखिए प्योर लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रिपिंग हो रही है, बहुत एकदम से ऐसा नहीं है कि स्लिप कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें देखिए कंपनी अगर अच्छी देती है तो ये उसकी जो वैल्यू है उसको बढ़ा देती है। ये अच्छा दिया है इन्होंने। तो देखिए रिया बिल्कुल तैयार है इसको परचेज़ करने के लिए और एक्साइटेड भी है। तो चलिए हम इसको गिफ्ट करेंगे ये। तो आप भी आकर यहाँ पर टेस्ट राइड ले सकते हैं। हमने इनके 2-3 मॉडल्स देखे हैं, बाइक भी देखी है, स्कूटर्स भी देखे हैं। ये देहरादून में किशन नगर चौक है ये जगह, जहाँ पर आप प्योर ईवी में आकर टेस्ट राइड्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे। लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे।